सगी बहनों पर गोलियां बरसाई, एक की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। मेरठ में दिन दहाड़े एक सिरफिरे आशिक ने अपनी कथित प्रेमिका और उसकी बहन को गोलियों से भून डाला, जिसमें उसकी प्रेमिका की मौके पर ही मौत हो गई। कौन थे आपके घर में, किसने घुसकर हमला करा? अच्छा, गोली किस चीज को लगी? गोली किस चीज को लगी? के साथ किसने वारदात को अंजाम दिया, किस तरीके? पड़ोस में एक लड़का दीपक नाम का है, वो पैर कई रोज से गुंडागर्दी कर रहा था वहाँ। कुछ उसे समझा भी गया, एक दो दिन पहले माफी मांग ली उसने। आज उसने इस घटना को सुबह अंजाम दिया, जबकि ये हमारी सगी भांजी है और जो लड़के के फादर हैं वो वकील हैं, और उसने ऐसा हमला किया है कि सारे घर को ही गोली मारी है। उसने छोटी लड़की गोली मारी है, बड़ी लड़की को भी खत्म कर दिया उसने, और माँ के भी चोट लगी है। पिताजी नहीं थे, बेटा नहीं था, अभी बेटा भी नहीं बचता। क्यों मारी है गोली, अरे क्या वजह? मतलब उसकी गुंडागर्दी यह है कि तानाशाही, वो ये चाहता था कि जो लड़की है लड़कियों के साथ बदतमीजी करता था। उसे रोका गया तो उसने माफी मांग ली, लेकिन उसने इस घटना को अंजाम दिया। कहने का मकसद यह है कि थाना कहीं दूर नहीं है, गुंडों को कतई किसी बात की चिंता नहीं, पुलिस का तो बिल्कुल भय नहीं है। यह घटना इतनी बड़ी हो जाना यह शर्म की बात है मेरठ के लिए, और मैं तो कहूंगा पुलिस प्रशासन बिल्कुल, मैं तो ये चाहता हूँ कि मुर्दाबाद की स्थिति में है। देखिए, पुलिस के संज्ञान में है, थाना क्षेत्र गंगानगर का मैटर है, एक तरफा प्रेम प्रसंग का मैटर अभी पुलिस के संज्ञान में आया है, जिसमें एक लड़का और किसी लड़की के साथ एक तरफा प्रेम प्रसंग वाली बात संज्ञान में आई है, और वो घर के अंदर गया, उसने दो लड़कियों को गोली मारी, जिसमें एक के सर में लगी, एक की टांग में लगी है। जिसके गोली सर में लगी थी, जिसको वो चाहता था, वो लड़की एक्सपायर हो गई। बाकी जो दूसरी लड़की है, उसकी सगी बहन है, उसके पैर में गोली लगी है। ये बात अभी पुलिस को संज्ञान में है। जो लड़का है वो अभियुक्त है, मेन वो अरेस्ट हो गया है, पुलिस की कस्टडी में है, और जो वेपन है वो बरामद हो गया है। इसके अलावा एक चाकू का भी इस्तेमाल किया गया, पुलिस ने चाकू भी रिकवर कर दिया। सर, आरोपी की प्रोफाइल क्या है, किसी कांस्टेबल का बेटा है क्या? आरोपी एक कांस्टेबल का बेटा है, ये वाले तथ्य संज्ञान में है, और दोनों जो घर हैं आरोपी के और वादी के, वो आप बगल बगल में है, तो बगल बगल के मकानों में दोनों रहा करते हैं।